आपने मुझे मृत्यु से बचाया, क्यों? क्योंकि मेरे कुछ प्रश्न हैं, जिनके उत्तर केवल तुम दे सकते हो। कौन हूं मैं? कहां से आया हूं? शुक्राचार्य स्वयं आपको लेकर आए थे। मतलब मैं इस ग्रह का मूल वासी नहीं हूं? नहीं, परंतु मैं यह नहीं जानता कि आपका मूल ग्रह कौन सा है जहां से शुक्राचार्य आपको लेकर आए थे। आपको अंकित तो अवश्य किया गया होगा ना? अंकित अर्थात उस अंक चिन्ह से पता चल जाता है कि आप किस ग्रह से यहां लाए गए। वैसे मैं भी यहां का मूलवासी नहीं हूं, मेरी दक्षता के कारण मुझे यहां लाया गया है। मुझे भी अपने ग्रह जाना था। मुझे वादा किया गया था कि आपको वापस लौटा दिया जाएगा, किंतु वादा तोड़ दिया गया, इसलिए मैंने असुर आचार संहिता तोड़ी। किस कार्य में दक्ष हो तुम? किसी और के शरीर में वह अंक चिन्ह मैं ही लगा सकता हूँ और मैं ही निकाल सकता हूँ बिना उसके जाने। अर्थात तुम वही कह रहे हो जो मेरे हृदय में चल रहा है। क्रमांक पंच तत्व 302। आपका मूल ग्रह तो पृथ्वी है। मुझे तुमसे और भी जानकारी चाहिए। पृथ्वी से आते समय आप जो भी लाए होंगे, उस वस्तु को देखकर आप समझ पाएंगे कि आपकी बची हुई पहचान क्या है। फिर कहाँ मिलेगी वो वस्तु? वल्लार के पास। उसने आपकी वस्तुएं चुरा ली थी। मैंने स्वयं देखा था और वो अंतिम बार था जब मैंने उसे देखा था। कहाँ मिलेगा ये वल्लार? अब फिर से कहां भाग गए मेरे दंश? अरे भाग क्यों रही हो? चिंतित हो, परेशान हो? कहीं तुमने ऐसा तो कुछ नहीं देख लिया जो तुम्हें नहीं देखना चाहिए था? भैया बचाओ। शिवाय, 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 उठना। शिवाय, शिवाय उठ, शिवाय उठना, क्या हुआ तुझे? शिवाय, शिवाय उठना, हाँ क्या हो गया? बंद हो गई तेरी बोलती, निकल गई तेरी हवा, फूस हो गई तेरी फिलोसफी। अरे इतना कुछ करवाया है मुझसे, ये भी हो जाने देता? कुछ नहीं होता मुझे भाई, उठ जा। शिवाय उठना, एक मैं बोल रहा हूँ ना तुझे, उठ जा। लगा, दिमाग लगा, विल पावर यूज कर, आत्मविश्वास, मन की शक्ति, समझा अपने दिमाग को, कंट्रोल योर माइंड। शिवाय उठ, हाँ उठ जा, उठ जा। तेरे बॉस, हाँ रुक, कौन है तेरे बॉस? बॉस, बॉस बोलिए ना इसे कि उठ जाए, ऐसे काम नहीं चलेगा, ये तो लिमिटलेस है ना। हाँ बोलिए इसे कि मैं इसके लिए बिल्कुल परेशान नहीं हूँ, मुझे तो बस रिंग से मतलब है। बोलिए। शिवाय उठता क्यों नहीं है ये? तुझे क्या लगता है, हाँ कि मैं तुझे यहाँ छोड़कर चला जाऊंगा? मैं तुझे छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। उठ जा शिवाय, अभी तो हमें साथ में रिंग ढूंढनी है। उठ जा, आ जा, भारी है ये। हाँ शिवाय कुछ
नहीं होगा तुझे, आजा। आजा, कुछ नहीं होगा तुझे। इस पर नजर रखनी पड़ेगी। दोबारा मेरे इतने करीब आने की कोशिश भी मत करना। मामा जी, क्या हुआ स्वीटी? मामा जी क्या हुआ स्वीटी को? तू रो क्यों रही है? बंटू। क्या बात है, आज तो अच्छी लूट हो गई। ला ला दिखा मुझे। ये वही गैंग है जिन्होंने सप्लाई वैन को लूटा था। इन्होंने बहुत सारी और चोरियां भी की है। इनकी तो बैंड बजानी पड़ेगी, क्या कहते हो? तो खाई है, पीछे वापस जा नहीं सकता। क्या करूं अब, लगता है यहां से कभी नहीं निकल पाऊंगा, यही फंसा रह जाऊंगा। सोचता बहुत है यार। शिवाय, शिवाय तू उठ गया? नहीं 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 नहीं, उतारना मत, उतारना मत, उतारना मत। क्यों? I'm hurt. ओके ओके, पर अब आगे तो रास्ता है नहीं, ये खाई कैसे पार करेंगे हम लोग? क्यों भाई ऐसा मत बोल, खाई को बुरा लगेगा, इंसल्ट नहीं करते ऐसे इसकी। जस्ट बिकॉज वो खाई है इसका मतलब ये थोड़ी ना हुआ कि तू उसे रास्ता ही नहीं मानेगा। देख ब्रो, लाइफ में जरूरी नहीं होता कि जो दिखे वो है और जो ना दिखे वो है ही नहीं। अब तो खुद को ही देख ले, जैसे तू अंगूठी पहनता है गायब हो जाता है, फिर तू होते हुए भी नहीं दिखता है और नहीं दिखते हुए भी होता है, समझा? मुझ पे ट्रस्ट कर और कूद जा, अगर रास्ता है, मैं कह रहा हूँ ना। अबे क्या उड़के जाऊँ क्या? अरे पंख तो फैला ले, लीप ऑफ फेथ। जरूरी नहीं है कि तुझे सेफ्टी नेट दिखाई दे, खुद पे भी तो भरोसा कर। मैं कह रहा हूँ ना कि रास्ता है, कूद जा। और ना बॉस भी तेरे साथ है और मैं भी तेरे साथ हूँ, कूद जा, चल डर मत। क्या बात कर रहा है, सच में? यार तुम बड़ों की बात क्यों नहीं मानते हो? जानता है कितना बड़ा हूँ मैं तेरे से, लेकिन नहीं बात ही नहीं माननी। कल को जब तू बड़ा होगा ना, तब तुझे रियलाइज होगा कि जब कोई तेरी बात ना माने तो कितना बुरा लगता है। ऐसे बातों तो सही कह रहा है, बातों से तो अपनी बहुत बड़ा लगता है। ठीक है तू जा, चल बेटा वीर बन जा तीर। मैं हवा में हूँ। जादू है जादू, देखना तू हवा में उड़ रहा है। अबे अच्छे से देख। शहर से निकाल दिया गया है क्योंकि वो चोरी करता था। अब सुना है वो बंजर क्षेत्रों में घूमा करता है। बहुत हार्ड यार,
पूरा सरगट हिल गया। लीप ऑफ फेथ की जीत हुई। बोला था ना शिवाय नाम याद कर लो काम आएगा, आया ना काम। अभी तो यही अकेला होता तो वही टिपिकल ह्यूमन थिंकिंग, फेथ फेथ की बात को लेकर सब लड़ते रहते हो, लेकिन जब फेथ दिखाने की बारी आती है तो फेथ किसी को याद ही नहीं रहता। अभी तो सेट पे होता, तुझे नेट चाहिए होता, तुझे मैट चाहिए होता, क्या क्या नहीं चाहिए होता एक जम के लिए। लेकिन अभी तूने क्या किया, खुद पर यकीन किया, भगवान ने तुझे रास्ता दिखा दिया। इसे कहते हैं माइंड ओवर मैटर। बोल ले बेटा बोल ले, टाइम है तेरा। नहीं नहीं मैं कंप्लेन नहीं कर रहा हूँ, पर तू भी तो कोई मौका नहीं छोड़ता आई टोल्ड यू सो बोलने का। बेटा जब तू मेरी उम्र में आएगा ना तब मैं पूछूंगा। भाई तब एक बात बता, स्वीटी मीठी तेरी बहने है ना, राखी वो तुझे बांधती है या तू उन्हें बांधता है? अरे ये कैसा बकवास सवाल है भाई, मैं वो तो मुझे ही बांधेगी ना। वो क्या है ना, जितना पट्टू तो दिखता है ना ऐसा लगता है कि तेरी बहने तेरी रक्षा करती है। और ये बता कि भाई हूँ मैं उनका क्या मतलब है, तो अपनी बहनों को कम समझता है क्या? अरे मैं उनका भाई हूँ, वो मेरी छोटी बहने हैं, मुझसे छोटी है इसलिए मैं उनको प्रोटेक्ट करता हूँ। नहीं तो मेरी बहने इतनी स्ट्रांग है ना कि उन्हें किसी की जरूरत नहीं है। गुड, अगर तूने ये बोला होता ना कि बहनों को भाइयों की प्रोटेक्शन की जरूरत होती है हमेशा, तो बॉस की तरफ तुझे धक्का देता मैं। लड़कियां लड़कों से कम नहीं होती, ठीक उनसे कुछ कुछ मुझसे थी, कब तक मैं तुझे लात कर घूमता रहूंगा। इंडिपेंडेंट बन यार। अच्छा मैं तेरे कंधे पे लेटा हुआ? अरे जितनी तेरी उम्र है ना, जो कि तुझे लगता है कि बहुत ज्यादा है, मुझे लगता है कि उसमें याददाश्त चली जाती है और सुनने की शक्ति भी खत्म हो जाती है, देखना भी बंद हो जाता है और मेरे ख्याल से फील भी नहीं होता है। भाई साहब आप मेरे ऊपर लदे हुए हैं। ठीक है बुजुर्गों का आशीर्वाद लगेगा तुझे। हे ईश्वर इसे स्टीयरिंग से मिलवा दे। अच्छा तुझे होश आ गया है ना, बहुत बकर बकर कर रहा है तू, उतर उतर तू। नहीं उतर उतर नहीं। अच्छा सुन 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 सुन, मैं तेरे कंधे से उतर जाता हूँ और तेरी पीठ पर चढ़ जाता हूँ। होशियारी हैं, रुक अभी गिराता हूँ तुझे। नहीं नहीं गिराता हूँ। नहीं नहीं नहीं, अगर तूने मुझे गिराया ना तो साथ में गिरेंगे, सिर्फ खाए ना खाए में। तू तुझे कभी अकेला छोड़ा है क्या कि अब छोड़ूंगा? तू जिस कुएं में कूदेगा तेरे पीछे पीछे बंटू भाई भी कूदेगा। अरे यार अब तुझे बंटू की याद आ गई होगी है ना, रोना मत यार रोना मत। आई हेट टीयर्स यार। क्या शुभम बताओ? 40,000। अरे रे 60,000। 60,000 छोटे क्या बात है, 80,000 क्या रे, पूरा बारात लूट के लाए रे। जब जब कोई गड़बड़ करेगा हीरो आएगा। कौन बोला रे? कौन बोला बे? तेरा बाप। अबे ये तो हीरो है ना, ये तो मर गया था। चल देखते हैं। हाँ चलो। नहीं नहीं हीरो जैसा नहीं लग रहा है ये। भाई ये तो वाकई में असली हीरो है, भागो। दूसरा फेंकने तो देते, जल्दी भाग गए। वाओ शाबाश बंटू शाबाश। देखना एक दिन असली हीरो भी ऐसे ही वापस आएगा। ओह थक गया मैं। क्या हुआ, पीछे क्या दिख रहा है? जंगल है बेटा ये, यहाँ पे कोई भी जानवर कहीं से भी आ सकता है, इसलिए सतर्क रहना बहुत जरूरी है। सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। और ना यहाँ पे टेडी बियर नहीं रियल बियर आता है। चल अरे वाह तू तो तूफानी हो गया रे, आंख में आंसू आ गए मेरे तुझे ऐसे देख के। तुझे पता है वो क्या था? हवा है हवा। क्या इतनी उम्र में कितनी स्ट्रेस लाइंस आ गई तेरे चेहरे पे? मेरा फेस देख, त्वचा ऐसी मखमल जैसी। ये सब तेरे एनर्जी ड्रिंक का कमाल है ना। मेरा कौन है एनर्जी? मेरा खून जो पीता है उस तो असर दिखेगा। हाँ वो तो है, मुझे खून पीने का ऑप्शन आया था लेकिन मैंने रिजेक्ट कर दिया। तो मेरा क्यों खून पीता रहता है स्ट्रॉ लगा के? सुनना
तो विटामिन ई खाया कर, बादाम भी और जिंक भी। फिर एक काम कर, तुझे ना जो भी विटामिन मिले ना वो खा लिया कर, तुझे बहुत जरूरत है। ये तू जानबूझ के कर रहा है ना, तुझे पता है कि मेरे को इतनी देर से भूख लगी है, क्यों याद दिलाया? तू इसमें इतना भलकने वाली बात क्या है? हाँ मैं हूँ ना, क्या खाना है बता, क्या खाएगा? तो बड़ी बात थोड़ी ना है। ये ले खाओ। एक बात बता, तू मानता है ना हम ह्यूमंस हैं? तू तो है ही। हाँ तो तुझे बकरियों में और ह्यूमंस में फर्क तो पता होगा, क्योंकि ये तो पत्तियां हैं पर मैं बकरी नहीं हूँ। अच्छा तो फिर सैलेड में क्या खाते हो बेटे लाल? खाता है ना? बस वाह वाह, हाँ अमरूद दिखे तो तुरंत लपक कर खा लिया और मुझे पत्ते पकड़ा दिए। दिखे मुझे लपका मैं तो खाऊंगा भी मैं ना, और मुझे लगा तेरा पेट भर गया होगा। हाँ पेट भर तो गया। बस अब जब नेक्स्ट टाइम तू जंगल में फंसेगा ना तो समझ गया ना तुम्हें क्या खाना है, पेट भरता है दिल कभी नहीं भरता। अब भाई एक बात बता, बुरा तो नहीं मानेगा, वो जब मैंने तुझे उठाया था तो तेरा वेट बहुत ज्यादा था, तेरी सेहत देखकर ऐसा लगता नहीं है कि तू इतना भारी होगा। वो वाटर रिटेंशन हो गई थी और क्या, तुझे सुनाई दे रहा था जब मैंने तुझे अपने कंधे पर उठाया था? हाँ सुनाई तो दे रहा था लेकिन मैं मेडिटेट कर रहा था। एक मिनट, तेरे चेहरे पे चोट थी, कहाँ गायब हो गई? मेडिटेशन ब्रो, मेडिटेशन। और ना चोट भी शर्मा गया, कितने हैंडसम से मुंडे के फेस पे दांत बन के मैं कैसे रह सकता हूँ, इसलिए शर्मा के खुद ही चला गया। क्या आदमी है यार। तो ये सच है, हीरो जिंदा है। यही मौका है हीरो को मूर्छित करके अपने साथ शुक्र ग्रह पर ले जाने का। ए हीरो, अब तुझे लेने ये असुर आया है। दंश, अगर मुझे उत्तर न मिला तो मेरे महाबली होने का साक्षात प्रमाण तुझे तेरी मृत्यु में मिलेगा। पृथ्वी से लाया गया था मुझे और मेरे साथ कुछ सामान भी था जो तूने चुराया, क्या था उसमें? मैंने तुम्हें देखा था जब तुम्हारा साक्षात्कार असुरों के साथ किया जा रहा था, बंदी थे, पीड़ा से करा रहे थे, अपनी पत्नी और बच्चों से मिलने के लिए गिड़गिड़ा रहे थे, अपने परिवार के पास लौटना चाह रहे थे। झूठ बोल रहा है तू? क्या बकवास कर रहा है? वही जो आप बोल रहे थे, मुझे जिज्ञासा हुई, मैंने तुम्हारा सामान चुरा लिया और मुझे ये सामान से ये मिला। Thank you.
जब पृथ्वी से आए थे ये तुम्हारे पास था। असुर बनने से पहले ये तुम्हारा था। मतलब मैं For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.